बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीएस 101 के लेक्चर सीरीज में आप सबको वेलकम। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक पे हैं और आज मॉड्यूल नंबर 46 है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मतलब पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टिव प्रोसेसिंग के मतलब और बैच प्रोसेसिंग के मतलब। तो सक्सेसफुल इंडक्टिव प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि यूजर कोई भी उसे काम दे तो उसे जो है बहुत फास्ट तरीके के साथ वो रिस्पॉन्स करे, ठीक है। तो वो अगर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा तो वो जो है सक्सेसफुल इंडक्टिव प्रोसेसिंग कहलाएगा। तो हम लोग ने दो तरह की प्रोसेसिंग पढ़ी थी, एक इंडक्टिव प्रोसेसिंग थी जिसके अंदर जो है यूजर अपने जो है सिस्टम के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और एक बैच प्रोसेसिंग थी जिसमें यूजर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, हम वीडियो के स्टूडेंट्स के मतलब अगर हम उसके रिकॉर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें यूजर की कंप्यूटर के साथ जो है इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो इसके लिए आप बैच प्रोसेसिंग यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर हमारे कंप्यूटर के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी चीज जो है एडिट करना चाहते हैं, कोई भी हम चीज को बड़ा लिखना चाहते हैं, छोटा लिखना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो जो है उसके लिए हमें सिस्टम के साथ इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम ही हमारा यूज होगा। उसके बाद जो है कंप्यूटर का सिर्फ इंटरेक्शन करना ही काम नहीं है यूजर के साथ, बल्कि जो है कंप्यूटर को या फिर हमारे पास जो भी प्रोसेसर है उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो जो हमारे डेडलाइंस के अंदर अंदर हमारे जो टास्क है उनको एग्जीक्यूट कर सके, यानी कि उनको मुकम्मल कर सके। तो उसके लिए जो है उन बातों को जो है रियल टाइम प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। अब कंप्यूटर को ऐसे अगर कंप्यूटर हमारे पास ऐसे टास्क को परफॉर्म करे जो हमें हमने उनको डेडलाइन दी गई होती है, तो वो जो है रियल टाइम या रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट ही उन्हें बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी क्रूज मिसाइल है, फिर हमारे पास कंप्यूटर ये जो रडार्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर जो प्रोसेसिंग यूज होती है, सिस्टम यूज होते हैं, वो रियल टाइम सिस्टम होते हैं, वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि हमारे पास इंसान जिस तरह हमारे पास रियल टाइम में कोई भी वाकया होता है तो फौरन उसके असर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी रडार है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे दुश्मन कंट्री से कोई भी जो है कोई चीज़ आई है तो रडार पे वो चीज़ अगर एट सेम टाइम ना आए तो हमारे पास हमारा दुश्मन हमारा बहुत बड़ा नुकसान करके जा सकता है। या फिर हमारे पास मिज़ाइल है और मिज़ाइल अगर हम उसको चलाना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोसेसर उसका मिज़ाइल का स्लो है तो वो जो है हमारा निशाना चुकना हो सकता है, या फिर जो है हमारा मिज़ाइल स्लो होगा तो हमारे पास दुश्मन हम पर जो है हमारे मजार चलाने से पहले हमला कर सकता है। तो उसके लिए जो है हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसिंग यूज की जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास दो तरह की प्रोसेसिंग हम लोग देख ली, एक हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग और एक हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो हमारे पास अगर सिस्टम जो है एक ही बंदे को या एक ही यूजर को सर्विस कर रहा है तो जो है उसके लिए हम रियल टाइम इन्वायरमेंट या रियल टाइम प्रोसेसिंग हमारे पास आसान हो सकती है। यानी कि अगर हमारे पास हमारा सिस्टम सिर्फ एक बंदे को या एक यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए जो है रियल टाइम प्रोसेसिंग आसान है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन हमारे पास अक्सर ऐसी मशीन होती हैं जिसको जो है एट द सेम टाइम डिफरेंट यूजर होते हैं रिमोट टर्मिनल के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जिसको ऐसी मशीन की जरूरत होती है जिसको मल्टीपल यूजर मल्टीपल लोकेशंस पे रिमोट टर्मिनल के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? तो इसके लिए जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमारे पास टाइम शेयरिंग का सोल्यूशन है। अब टाइम शेयरिंग का सोल्यूशन ऐसा है कि हमारे पास एक सीपीयू है और उस सीपीयू के साथ जो है एक्टिव लिंक्स के जरिए हमारे पास यूजर्स जो है अक्सर कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये सीपीयू, ये हमारे पास ये लिंक्स हैं और हमारे यूजर्स जो है अपने जो है सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। तो उसके बाद जो है ये कंप्यूटर के टाइम को शेयर कर रहे हैं और जो है एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम शेयरिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। हमारे पास इसके बाद यह है कि इसमें हमारे पास कंप्यूटर की जो तीन स्टेट्स होती हैं, एक हमारे पास एक्टिव स्टेट होती है, एक रेडी स्टेट होती है और एक वेटिंग स्टेट होती है। तो ये भी आप इनके सिर्फ नाम पढ़ लें, हम नेक्स्ट इन स्टेट्स के मतलब जो है डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोग एक कोर्स आएगा आप उसके अंदर इसको स्टडी करोगे। तो हमारे पास जो है कंप्यूटर के साथ टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम शेयरिंग क्या होती है? टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि टाइम शेयरिंग इज द शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग मेनी यूजर बाय द मीन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग एट द सेम टाइम। यानी कि हम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करना मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग को इस्तेमाल करते हुए अगर हम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो वो जो है टाइम शेयरिंग कहलाती है।
मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि अगर हमारे पास सिस्टम जो है एक ही मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, और वो मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल यूजर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, और अगर एक ही यूजर मल्टीपल प्रोग्राम या मल्टीपल काम कंप्यूटर पर कर रहा है तो वो मल्टी टास्किंग होगी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग को जो है इंप्लीमेंट करने का जो एक कार्य है वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। उसके बाद जो है हर यूजर की जो है जॉब जो होती है वो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए इस्तेमाल होती है या एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद एक जो सिस्टम है पहले वाले जो सिस्टम थे पहले जमाने के सिस्टम उसके अंदर जो है एक सिस्टम होता था उसको 30 यूजर जो है एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकते थे या फिर सर्विस कर वो सिस्टम जो है 30 यूजर्स को सर्विस कर सकता था। लेकिन आजकल के जो मल्टी प्रोग्रामिंग के जो है सॉफ्टवेयर आ रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट में एक जो सिस्टम है वो सिंगल यूजर को भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और 30 यूजर या मल्टीपल यूजर को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि आज के जो मल्टी प्रोग्रामिंग के जो है सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद मल्टी टास्किंग क्या होता है। मल्टी टास्किंग का मतलब यह है कि एक यूजर जो है सेवरल सेवरल टास्क अगर साइमल्टेनियसली जो है एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो मल्टी टास्किंग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है वो कंप्यूटर पे एक ही कंप्यूटर पे जो है काफ़ी सारे काम कर रहा है तो वो मल्टी टास्किंग कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने रियल टाइम प्रोसेसिंग के मतलब पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइम टाइम शेयरिंग के मतलब पढ़ा, मल्टी प्रोग्रामिंग के मतलब पढ़ा, और फिर हम लोगों ने मल्टी टास्किंग के मतलब पढ़ा। रियल टाइम का मतलब है कि ये कंप्यूटर इतना फास्ट है कि रियल टाइम एनवायरमेंट के साथ जो है वो काम कर सकता है, और टाइम शेयरिंग का मतलब यह है कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करना टाइम शेयरिंग कहलाता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा यूजर्स अपने एक से ज्यादा जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है, और अगर एक ही यूजर एट द सेम टाइम मल्टीपल काम कर रहा है तो वो मल्टी टास्किंग कहलाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।